क्या यूपी कांग्रेस में जान फूंकने में कामयाब हो रही है प्रियंका? क्या यूपी कांग्रेस में दिखने लगा है प्रियंका गांधी का असर? कहा जाता है ठोकर खाने से सीख मिलती है, और ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है यूपी में कांग्रेस के साथ। जहां एसपी बीएसपी की ओर से किनारे किए जाने के बाद कांग्रेस अलग थलग पड़ गई थी। एसपी बीएसपी गठबंधन में जब कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया तो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अखिलेश और मायावती के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय खुद के पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया। पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी और अब इसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। दरअसल सक्रिय राजनीति में कदम रखने और पूर्वी यूपी की कमान मिलने के बाद से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जोश में भर्ती नजर आ रहे हैं। ऐसा कर वो सूबे में वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस में जान डालने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में कांग्रेस के किसी भी नेता ने हाल के दिनों में पार्टी का दामन नहीं छोड़ा है। जीतन प्रसाद की नाराजगी को भी खत्म करने में कांग्रेस सफल रही, जबकि एसपी बीएसपी और बीजेपी नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और नेताओं का राजनीतिक ठिकाना कांग्रेस बन रही है। प्रियंका ने महज 2.5 महीने के भीतर 3 बार सूबे का दौरा किया और चौथी बार आगामी 3 अप्रैल को जाने की तैयारी में है। वहीं अगर विरोधी दलों की बात करें तो सबसे ज्यादा एसपी और बीएसपी नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। खासकर एसपी बीएसपी के उन नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी है जिन्हें पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसमें से अधिकांश नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा बीजेपी के भी कई कद्दावर नेता पार्टी को बाय बाय कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त में कई मौजूदा सांसद और विधायक हैं। कांग्रेस में बीजेपी से आई बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फुले और इटावा से सांसद अशोक दोहरे को अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जो बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं उनमें से ज्यादातर नेताओं की टिकट पार्टी ने काट दिए हैं। माना जा रहा है कि इन नेताओं को अपनी टिकट काटने का अंदेशा पहले से ही था और इसी के चलते इन नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को अलविदा कहा है। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने प्रियंका गांधी के राजनीति में आने के बाद पार्टी नहीं छोड़ी है। इसका नतीजा है कि प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, कई सीटों पर कांग्रेस सीधी लड़ाई में दिख रही है। इंडिया न्यूज़ भारत की रिपोर्ट।